स्वागत है आपके अपने चैनल ए टू जेड ट्रिप पे। और हमने एक और जो यात्रा है प्लान कर लिया है, और ये यात्रा भी फैमिली के साथ ही होगी। और ये जो यात्रा होगी वो साउथ इंडिया की होगी, और साउथ इंडिया में रामेश्वरम, कन्याकुमारी, मदुरई और पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुपति बालाजी वगैरह घूमने का प्लान। हमारी ट्रेन है वो बनारस से है, तो अभी हम लोग घर पे हैं और बनारस से रात में 8 बजे ट्रेन है, तो अभी 4 बज रहे हैं। तो गाड़ी से हम लोग बाई रोड हम लोग बनारस जाएंगे, लगभग अप्रॉक्स 1-1.5 घंटा लग जाएगा जाने में, और फिर वहाँ से हम लोग की ट्रेन है जो बनारस से सीधे रामेश्वरम जाएगी। तो चलिए महादेव का नाम लेते हैं और अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। तो फाइनली हम लोग चल दिए हैं, और अभी यहाँ से हम बता ही दिए आपको कि सबसे पहले जाएंगे बनारस। और ये भी चल रही है नेहू, सबको हाय बोल दो। और माधव भी जा रहा है, और उसका ये पहला ट्रिप होगा इतना लॉन्ग जर्नी में। तो चलिए आप मेरे साथ इस ट्रिप को एंजॉय करिए, और देखते हैं क्या क्या ट्रिप में प्लान है और क्या क्या मैं आपको बता सकता हूँ। लंका पहुंच गए हैं यानी BHU के पास, और काफ़ी जाम लग गया है, काफ़ी ट्रैफिक हो रहा है अभी, और अभी 6 भी बज गए हैं। तो हम लोग की ट्रेन अप्रॉक्स 8 बजे है, तो अभी भी यहाँ से आधे घंटे तो लग ही जाएंगे जाने में, और ट्रैफिक खुल जाए बस। तो चलिए फटाफट पहुंचते हैं पहले स्टेशन, सामान वामान उतारते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और सीट वगैरह देखते हैं कहाँ पे है। और तो फाइनली हम लोग तो ट्रेन में बोर्ड हो गए हैं, और काफ़ी भीड़ हो गया है, और एक टिकट तो कंफर्म हुआ ही नहीं, तो वो RAC में चला गया है, और वो भी दूसरे बोगी में, तो कोई जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। सब लोग एक साथ 3 सीट मिले हुए हैं, तो सब लोग एडजस्ट कर रहे हैं, और अब भूख भी लग रही है क्योंकि 8 बज गए और ट्रेन चल दी है बनारस से।
तो चलिए अब फटाफट खाना वाना खाते हैं और फिर आपसे बात करते हैं कि कैसा जर्नी चल रहा है। क्या हल्ला कर रही हो, क्या हल्ला कर रही हो, क्या हल्ला कर रही हो, सबसे ज्यादा यही हल्ला कर रही है। दो 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 मेरे राम हो राम। क्या है लड़का ना फेंक दो। ब्रेक मारी गाड़ी तले सीधा गया ले गया। वीडियो बना दूंगा। घर से गुलाब जामुन बन के आया और ये भी बोलिए पहले गुस्सा की है पहले उसके बाद आ रहे डमरुआ क्या कर रहा है डमरुआ और रात में बाहर कुछ ऐसे हाईवे गए हुए हैं उसी के लाइट्स वगैरह दिख रहे हैं और ठंड भी हल्की हल्की ठंड लग रही है हवा लग रहा है तो कुछ ऐसा मौसम है और अभी आई थिंक हमको लग रहा है कि प्रयागराज आने वाला है क्योंकि ज्ञानपुर तो कब का बीत गया तो शायद प्रयागराज आने वाला हो और इधर ये है कि इसकी सैतानियाँ रुक ही नहीं रही है तो फाइनली खाना वाना हो गया है और सब लोग अब आराम कर रहा है इधर और सबसे ज़्यादा शैतान नीहू है। नीहू सबसे ज़्यादा शैतानी कर रही है इधर, न सो रही है न किसी को सोने दे रही है। बोल दिए जाओ कि तुम सबसे ज़्यादा शैतानी कर रही हो। तो इस ब्लॉग को इन करते हैं और मिलते हैं अब सुबह में अप्रॉक्स 8-9 बजे के आसपास कटनी पहुंचेगी तो देखते हैं कटनी में नींद खुलेगी। आराम से सोना है अब तो 2 दिन ट्रेन में ही रहना है आराम से सोना है आराम से जगना है और एंजॉय करते हुए चलना है। तो चलिए इस ब्लॉग को इन करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अगली सुबह।